ओके क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही सबको बाबू? यस सर। चलिए सो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। सो देखो एक्चुअली होता है क्या, हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में। फॉर्मूला क्या है बोलो? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके ये फॉर्मूला हम लोग को याद होगा आई थिंक। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके सो ये इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो तो कौन सा इंटरेस्ट की यहाँ पे बात होती है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ओके 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 सो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग को समझना होगा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। दिख रहा है यहाँ पे कॉपी में चीज सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है। ओके ये जो फॉर्मूला हम लोग को मिलता है a is equal to p bracket में 1 plus r by 100 to the power n, ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। a is equal to p bracket में 1 plus r by 100 to the power n, है ना? यस सर। फॉर्मूला है। इसके बाद ci का फॉर्मूला बोलो तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? सो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं क्या है बोलो, ci माइनस प्रिंसिपल 1 plus r by 100 to the power n, okay? Minus 1. कॉपी पेज दिख नहीं रहा सर। हाँ सर अब दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके चलिए तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा। तो मेनली यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है, अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। दिख रहा है ना? तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है एक्चुअली हमारा वो इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके समझे यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे एसोसिएटेड है एक दूसरे से वो हम लोग समझते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को बता दूं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में मैं प्रिंसिपल को अगर मैं 100 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% बताऊं, ठीक है, और टाइम अगर 2 years का है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 rupees, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम क्या है 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है हम लोग को पता है, हम लोग आई इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, याद आ रहा? और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो किसको रेफर कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट को। समझ रहा ना सबको? ओके देखो यहाँ पे तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है 2 years का। ओके तो देखो प्रिंसिपल कितना है 100 rupees, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 years by 100। आवाज आ रही बाबू? हाँ सर। ओके तो देखो ये 100 कटेगा तो इंटरेस्ट आपका कितना बना बोलो, 10 rupees, है ना? आपका जो इंटरेस्ट बना कितना बना 10 rupees, आपको दिख रहा है ना? यस सर। सो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो 10 rupees आया वो बोलो तो क्या आया बोलो तो, ये समझ में आ रहा सबको? इंटरेस्ट ऑफ 2 years, ठीक है, इंटरेस्ट निकला है 2 years, ठीक है। बट अगर मैं बोलू यहाँ पर सेम डाटा को, ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैं ले रहा हूँ 100 rupees, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम यहाँ पर 2 years, तो सिंपल में अगर ये सेम डाटा को मैं बोलू कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल के बताओ। अब हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेन समझना है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कॉपी पे। ओके तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है वो देखो।
हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो वन ईयर करके निकालेंगे, ठीक है? पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर, ओके? यहाँ पे जो टाइम दिया गया ना टू ईयर्स का, बता रहा सबको? हाँ सर। यहाँ पे जो टाइम दिया है टू ईयर्स का, इस टू ईयर्स को हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, समझ में आ रहा सबको? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए चेक करते हैं। चलो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 5%, टाइम का वैल्यू कितना है? अब बोलो टाइम कितना लेंगे, बोलो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम कितना होगा? वन ईयर। वेरी गुड। सो हमारा टाइम जो होगा वो वन ईयर हो जाएगा, है ना? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब चेक करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? सेम P इंटू R इंटू T बाई 100। सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, समझना, ठीक है? यहाँ पे सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, चेक करो, तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू रेट ऑफ परसेंट 5, टाइम यहाँ पे टाइम कितना 1, ओके, बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे आपका इंटरेस्ट कितना आया, 5 आया? 5। देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है? अब ध्यान से समझना, अब हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ, सारे बच्चे यहाँ कॉपी पे ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है कॉपी पे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर के लिए, ओके, सेकंड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा, अब बोलो वो प्रिंसिपल कितना होगा? 100 रुपीज होगा, और होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है? मेनली होता क्या है ना कि हम लोग जैसे ही वन ईयर क्रॉस करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने वन ईयर कंप्लीट कर लिया ना, सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, समझ में आ रहा सबको? ओरिजिनल प्रिंसिपल, हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था ना, ये क्या था? ओरिजिनल प्रिंसिपल था, और ये आया है इंटरेस्ट, ये क्या आया है? इंटरेस्ट। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए, बोलो ये प्रिंसिपल कितना होगा? तो 100 प्लस 5 होगा क्या? बोलो, तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, सो यहाँ पे अब चेक करते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 5%। अब बताओ यहाँ पे टाइम, मैं टाइम कितना लूंगा? वन ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब ये नहीं कि टू ईयर है, सेकेंड ईयर का मतलब वन ईयर से, मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच का गैपिंग। तो देखो टाइम तो यहाँ पे वन ईयर आ रहा है ना, अगर बात को समझो, सेकेंड ईयर का मतलब वन ईयर से टू ईयर के बीच का गैपिंग, मतलब वन ईयर, ओके? सो यहाँ पे टाइम हम लोग फिर से वन ईयर लेंगे, ये समझ में आ रहा है सबको? तो हम लोग फिर से चेक करते हैं इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। तो इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, बोलो? 105, रेट होगा 5, टाइम होगा 1 ईयर बाय 100। चलो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 का टेबल से ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा 20 बार में 20। इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा बोलो? 5 सर, 5 क्या? 5 से कटेगा सर बाय 4, 21 और ये बाय 4, 21 बाय 4। यहां पे समझो, ध्यान से समझो, इंटरेस्ट कितना आया? 21 बाय 4, ठीक है? अब यहाँ पे पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ से ही स्टार्ट किए हम लोग, तो यहाँ पे पूरा कॉपी कर सकते हो आप लोग, कॉपी कर लो। अच्छा, ये चीज मैं पूछ रहा हूँ कि बोर्ड में अच्छा लग रहा था कि कॉपी में? ठीक है सर, थोड़ा रुकिए, बोर्ड में रुक तो रहे थे, हम पूछ रहे हैं कि बोर्ड में अच्छा था, बोर्ड में ठीक समझ में आ रहा था कि कॉपी में ठीक से समझ में आ रहा, मतलब दिखना, मतलब दोनों में ठीक से समझ आए? नहीं नहीं, बोर्ड में एक्चुअली हम देखते हैं कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सबको हेजी नजर आता है, इसीलिए मैंने सोचा इस बार आज ट्राई करता हूँ कॉपी पे। कॉपी में सबको समझ में आ रहा ना? हाँ सर। सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ सर। ओके चलिए, अच्छा तो कॉपी कर लीजिए आप लोग यहाँ तक।
सबको प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को? हो गया ओके, हाँ दिख रहा है सबका, हो गया? यस सर, प्लीज वेट सर, आप ऊपर जो a इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू लिखे वो तरह समझा दीजिए ना। देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग अभी डिराइव करेंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ये इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला कैसा है सबको पता है क्या? ये फॉर्मूला हम लोग अभी इसको निकालेंगे, ठीक है? इसको डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे है? ये दोनों ही फॉर्मूला जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, ये एक्चुअली किसको पता नहीं रहता कि फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे, ये वर्क कैसे करता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। जस्ट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख कर बता दिया, ये हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, आपका काम अभी बस यहाँ तक है, अभी उसके बाद हम लोग देखो कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे, ठीक है? सर वो 21/4 को इसमें कन्वर्ट कर ले डेसिमल में, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी उतना कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ तक हो गया बोलो सबका पहले? हाँ सर, हाँ सर हो गया बाबू, यस हाँ सर हो गया। चलो अब हम लोग चेंज करते हैं पेज। ओके चलिए, अब ध्यान से समझना, ठीक है? अब ध्यान से समझना। सो देखो अगर मैं चेक करूं, अगर मैं बताऊं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था बोलो? 5 आया था। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? 21/4 है ना, तो यहाँ आया था 21/4, याद करो। तो एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट अगर चेक किया जाए तो कितना है? तो 5 + 21/4, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है? 41/4 आ रहा है, तो इसको तुम लिख सकते हो क्या? 4.25 यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? देखो तो yes, 10 पॉइंट होगा ना, सॉरी। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया बोलो? 10.25। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था टोटल? 10 रुपीस आया था। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली देखा जाए 2 ईयर्स का आया था 10 रुपीस। टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने मतलब सीआई का जो आया है, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया है? तो आया है 10.25। सुन रहे सबको? यस सर। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ये कब होता है बोलो तो? जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना 2 ईयर्स के लिए, जब हम लोग चेक करेंगे 3 ईयर्स के लिए, तभी ऐसे होगा, ठीक है? बट यहाँ पे सीआई और एसआई, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? नोट करना इसको, सीआई और एसआई में सीआई बड़ा होता है एसआई से। ये कब होता है? जब 2 ईयर्स 3 ईयर्स का जब हम लोग बात करेंगे, ये एक कंडीशन पे इक्वल भी होता है कहीं के, कब होता है? फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर मतलब इसे ना, हेलो, तो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग चेक करें तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर हम लोग चेक करते, चलो चेक करते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से समझते हैं, P × R × T/100 है बोलो? हाँ कैसे, कितना था बोलो? 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही निकाल रहा हूँ, और टाइम अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा हूँ तो टाइम 1/100। चेक करो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया है फॉर फर्स्ट ईयर, ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आया? 5 रुपीज। चेक करो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आया था कंपाउंड का, ठीक है, यहाँ पे सीआई का निकाला हम लोगों ने, तो फर्स्ट ईयर देखो इंटरेस्ट कितना आया था? 5 रुपीज आया था। देखो दोनों सेम है क्या? फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ से कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट पता चला कि सीआई और एसआई आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों ही इंटरेस्ट आपस में इक्वल होगा, एक ही कंडीशन है जब हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए चेक करेंगे, तो जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में मूव करेंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। बोलो समझ में आ रहा? Yes. बोलो सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके सो अच्छा मैं अभी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं या करें फॉर्मूला को डिराइव करिए बताओ, यहाँ तक सब क्लियर हुआ? बोलो एक क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। ओके यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। ओके इसको आप बना पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बताऊंगा। ठीक है, बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोलो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर वन ईयर बोल सकते हो, एट 8% पर एनम। ये 8% पर एनम क्या होता है बोले तो बाबू? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया गया है रुपीज 5000, आपके पास टाइम है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाओगे? यस सर। चेक करो तो अगर ये फर्स्ट ईयर का आप निकाल पाओगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका सेम यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पहले फिर उसके बाद टू इयर्स का निकालो, फिर टू इयर्स का निकाल पाओगे तो उसके बाद हम लोग थ्री इयर्स का निकालते हैं। चलो तीनों ही केस में बताओ, ये केस वन है जो फर्स्ट ईयर लेना है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का बताइए, मैंने जैसे बनाया वैसे ही बताइएगा। ठीक है, मतलब सिंपली आपका जो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल होगा वो इंटरेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो बना पाएंगे आप? बना पाएंगे आप? यस सर। सर 432 सेकंड ईयर। बन रहा है आपसे? हाँ सर। ओके बताइए सेकंड ईयर का कितना है इंटरेस्ट? 432। ओके और थर्ड ईयर का सर निकाल रहा है। ओके निकालिए। सर 466.56। ठीक है सर, आने दीजिए सबका। हो गया सबका? हाँ सर। 458.56। देखो आंसर अब डिफर कर रहा है। 233.28। सर 466.56। सबका देखो अलग अलग आंसर आ रहा है। वेरी गुड। 466.56। दो आंसर मैच किया 466.56। हाँ सर। और एक आंसर क्या था? 233.28। 232 तो नहीं आ सकता था ना, क्योंकि सेकंड ईयर का ही इंटरेस्ट अगर 432 है तो थर्ड ईयर में तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही ना, ये तो नहीं होने वाला। आगे बोलो। सर 466.56। हाँ ये आंसर तो रिपीट कर रहा सबका, बाकी सब कोई आया था 458 भी आया था किसी का, सबका आंसर क्या यही आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके मैं बना के बताऊं कि आप लोग बना पाओगे इसको? ये बना पाओगे आप लोग? हेलो यस सर। नहीं नहीं यस नहीं, मैं बना दूं या आप बना पाओगे? बना हो जाएगा ना, तो हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। बोलो। यस सर। हां सर। आगे मैंने दिया करिए ना, मेरे कैसे समझ में बोला करिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके देखिए फिर हम लोग यहां पे अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का करने को दीजिए ना।
देखिए हाँ बना पा रही हूँ फर्स्ट और सेकंड टाइम है लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप लोग हेलो मैं स्टार्ट करूँ या वेट यस सर स्टार्ट हाँ सर स्टार्ट देखो एक्चुअली हम लोग समझते हैं ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअली जो फॉर्मूला है अमाउंट का ठीक है ये ए इक्वल टू क्या होता है अमाउंट आई थिंक पता होगा आप लोगों को अमाउंट एक्चुअली फॉर्मूला है ये पी ब्रैकेट ऑफ वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर एन है ना ये फॉर्मूला याद होगा आई थिंक उसके बाद सी आई का जो फॉर्मूला है क्या है बोलो P bracket of 1 plus R by 100 bracket closed minus 1. Minus 1, है ना? ये दो formula से आप लोग already familiar होंगे. और देखोगे है ना? Yes. चलो. अब हम लोग समझते हैं कि formula actually आया कैसे? ये दोनों formula बना कैसे? वो हम लोग समझते हैं. ठीक है? ये बहुत जरूरी है आपके लिए. Okay. So चलो हम लोग start करते हैं कि हम लोग principle को ध्यान दो आप. ठीक है? Principle को हम लोग क्या ले रहे हैं? P हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग क्या ले रहे हैं आर और हमारा जो टाइम है उस टाइम को हम लोग क्या ले रहे हैं टी ये क्लियर हो रहा है सबको यस सर और अमाउंट को ए ए कोई दिक्कत है यहाँ पे बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ओके तो हम लोग अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं ठीक है फॉर्मूला याद है आपको टी इंटू आर इंटू टी बाय हंड्रेड बोलो हाँ Yes, अगर sir. मैं बोलूं फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं यहां पे जो मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं कौन से ईयर के लिए निकाल रहा हूं फर्स्ट ईयर के लिए तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो पी इंटू आर बाई हंड्रेड हो जाएगा देखो तो यहां पे टाइम का वैल्यू वन ले लेंगे तो यस सर बोलो यहां तक क्लियर है सबको तो इंटरेस्ट आया पी इंटू आर बाई हंड्रेड समझ में आया सबको यस सर यहां तक समझ में आ गया सबको बोलो हाँ पूरा हो जाएगा ये पूरा इंटरेस्ट इसमें आएगा बोलो यस सर यहाँ तक समझ में आया सबको हेलो हाँ सर यस सर अब देखो दोनों ही टर्म्स में पी कॉमन आएगा तो क्या होगा बोलो वन प्लस आर बाय हंड्रेड क्या हो जाएगा यस सर वन प्लस आर बाय हंड्रेड वेरी गुड यहाँ तक हो गया ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है टाइम हमारे पास है सेकंड ईयर के लिए मैं निकाल रहा हूँ तो टाइम यहाँ पे कितना लूंगा बोलो तो टाइम तो यहाँ पे फिर से वन ईयर लूंगा ना टाइम तो यहाँ पे फिर से मैं वन ईयर लूंगा सेकंड ईयर के लिए निकाल रहा हूँ ऐसा नहीं कि टू ईयर के लिए देखो सेकंड ईयर और टू ईयर अलग अलग चीज है ठीक है सेकंड ईयर का मतलब मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक निकाल रहा हूँ ना तो दोनों के बीच में गैपिंग कितना है वन ईयर का तो है वन ईयर है ना तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास है तो अब हम लोग सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे आते हैं बोलो तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या पुट करेंगे पी ब्रैकेट में वन प्लस आर बाई हंड्रेड ठीक है रेट ऑफ रेट का वैल्यू आर है और टाइम कितना वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको सबको समझ में आ रहा है ओके सो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तो लिखे हम लोग वन प्लस आर बाय हंड्रेड अब देखो ये आर ये हंड्रेड इसको हम लोग पेयर बना सकते हैं ऐसे इनटू आर बाय हंड्रेड लिख सकते हैं ऐसा देखो तो यस सर बोलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ यस यहाँ चुका है हमारा इंटरेस्ट इन द सेकंड ईयर ये क्या है बोलो इंटरेस्ट सेकंड ईयर बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छा यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला था तो हम लोग एक्चुअली में अमाउंट निकाल लेते हैं ठीक है काम आएगा हमारा तो अमाउंट का फॉर्मूला याद है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट याद है सबको द अमाउंट इज इक्वल टू देखो प्रिंसिपल कितना है पी है इंटरेस्ट कितना है बोलो पी इंटू आर बाई हंड्रेड ए का वैल्यू कितना है पी कॉमन लेने पे वन प्लस आर बाई हंड्रेड ये बोलो अमाउंट निकला फॉर फर्स्ट ईयर ये अमाउंट निकला बोलो फर्स्ट ईयर का यस सर यस सर फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकला बोलो हाँ यस सर हाँ सर वेरी गुड ठीक है यहाँ तक ये देखो ये क्या निकला बोलो तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ये सेकंड ईयर का
इंटरेस्ट है, ये समझ में आ रहा? बोले तो यस सर। मैं अब पेस्ट को टर्न करूं, सबको कॉपी हो गया? यस सर। नो सर, वेट सर फॉर वेट फॉर वन मिनट। ठीक, कॉपी कर लीजिए। सबको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके ठीक है, आप लोग आराम से कॉपी करिए। सर एक बात कहें? बोलिए बोलिए। सर ये जो है ना पी इनटू वन माइनस आर वन प्लस आर बाय हंड्रेड, तो माइनस भी हो सकता है क्या? अगर मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रो करता है ना, इंक्रीज करता है हर बार। हाँ इंटरेस्ट तो हमेशा ग्रो करता है ना। तुम चेक कर लेना, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हम लोग वो वाला कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है? सुनो, वो जो आप बता रहे हो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब माइनस होगा कि नहीं, वो अलग केस है। वहां पर जब हम लोग मान लो पॉपुलेशन या कुछ प्राइस जब डिक्रीज करता है ना, तो उस केस में हम लोग वो फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है? वो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। सिंपली मेन कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखा जाता है, तो देखा जा रहा है कि हर ईयर में तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लस करके लेते हैं। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में, जैसे मान लो पॉपुलेशन में कुछ क्वेश्चन होगा, या कुछ मान लो मशीन का प्राइस अगर होता है क्या हर साल डिक्रीज करता है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग माइनस लेंगे, वो हम लोग समझेंगे अभी अच्छे से, ठीक है? सर बोलिए। सर ये जो सी आई इक्वल्स टू जब फॉर्मूला लिखा है, तो हम पहले फॉर्मूला तो यूज नहीं किया हम लोग? हम लोग कहाँ, ये तो जस्ट हम लोग मैं बता रहा हूँ कि प्रूफ करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का हम लोग ने निकाला इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का हम लोग ने निकाला अमाउंट, फिर सेकंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे अमाउंट क्या है एक्चुअली। समझ में आया बाबू आपको? हाँ सर। नहीं नहीं, वो बच्चा जो बच्ची जो पूछ रही थी उनको समझ में आया? यस सर। ये फॉर्मूला अभी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है? प्रूफ करेंगे ये कैसे बनता है। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कॉन्सेप्ट है। हो गया सबका कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। हाँ सर हो गया। टर्न कर रहा हूँ, ठीक है? पेज को टर्न कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना, हमारा इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है? हमारा जो इंटरेस्ट है सेकंड इंटरेस्ट आ चुका है, तो अब बताओ सेकंड ईयर का हमारा अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना था बोलो? तो सर पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड प्लस इंटरेस्ट कितना है? ये देखो ऐसा कुछ है, ये जो मैंने लिखा है वो देखो सेम है क्या? यस सर। ये समझ में आया ना सबको? यस सर। ओके अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा पार्ट, यहाँ पे ये पूरा पार्ट कॉमन जा रहा है? यस सर। अगर मैं p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 को अगर कॉमन ले लूं, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा? रेस्ट 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? r बाय 100 प्लस r बाय 100। ओके अच्छा, इस अमाउंट को ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना क्या बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2, ये वाला सेम क्वांटिटी देखो दो बार मल्टीप्लाइड है, तो पावर 2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। ओके ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना, ये जो अमाउंट निकला ये क्या निकला बोलो तो? सेकंड ईयर का, ठीक है? ये जो अमाउंट निकला ये क्या निकला बोलो तो? सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना था याद है आपको? फर्स्ट ईयर का अमाउंट था p into 1 plus r by 100, ठीक है? यहाँ पे वहां पे देखो, यहाँ पे फिर से हम समझते हैं, ठीक है? देखो ये जो आया था यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 था। यस सर। समझते देखो, अगर हम लोग समझे यहाँ पे ध्यान दो, अमाउंट इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या था? p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 into 1 plus r by 100। टाइम सुनो सुनो, यहाँ पे कुछ टाइम नहीं था तो 1 ले रहे हम लोग। ये फर्स्ट ईयर का है, ध्यान दो, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का है। सबको समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकंड ईयर का अमाउंट है। सेम अगर हम लोग थर्ड ईयर का निकालेंगे ना, ध्यान से समझो,
अगर हम लोग थर्ड ईयर का अमाउंट निकालेंगे, देखो निकालने में तो टाइम लग जाएगा, पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। देखो फर्स्ट ईयर के लिए था तो टाइम यहाँ पे वन, सेकंड ईयर के लिए निकाला तो टाइम यहाँ पे आ गया टू। अगर मैं थर्ड ईयर के निकालूंगा तो क्या होगा बोलो, वन प्लस पावर यहाँ तक समझ में आया सबको ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर मैं 10 ईयर्स के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, एन ईयर्स के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एन ईयर्स के निकालने के लिए सेम, देखो जब सेकंड ईयर के निकाला तो टाइम टू, थर्ड ईयर के निकाला तो टाइम थ्री, एन ईयर्स के निकालूंगा तो टाइम कितना होगा, एन। देखो ये फॉर्मूला याद आया, ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ सर, कैसे बनाया ये समझ में आया सबको, बोलो ये समझ में आया सबको फॉर्मूला कैसे बना, इक्वल टू पी ब्रैकेट में वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर एन। हम लोग बार बार निकालते जाएंगे हर साल का, तो टाइम यहाँ पे बढ़ते जाएगा। देखो वन था, फिर टू था, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, एन ईयर्स के लिए एन। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको, यस सर। हम लोग एन ईयर्स से बदले एक्स ईयर्स भी लिख सकते हैं। हाँ एक्स ईयर्स भी ले सकते हो, टी ईयर्स भी ले सकते हो, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मेनली फॉर्मूला एन में होता है ना, इसलिए हम लोग एन लिखते हैं। तुम यहाँ पे टी ईयर्स भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे एक्स ईयर्स भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके अब ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फाइनल अमाउंट। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। बोलो नजर आ रहा है सबको, दिख रहा है सबको। फाइनल अमाउंट देखो ये है हमारा फॉर एन ईयर्स, यस सर। फाइनल अमाउंट एक्चुअली क्या है वैल्यू बोलो, पी ब्रैकेट में वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर एन। यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा क्या था शुरू में, पी था, तो हम यहाँ से पी कॉमन ले सकते हैं बोलो तो, यस सर। तो यहाँ हो जाएगा पावर एन माइनस वन। देखो यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला बन गया है ये जो हम लोग पढ़ते हैं, यस सर। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, समझो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला को मैंने इसलिए ड्राइव किया कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है वो हम लोग को समझना होगा। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आ गया। बोले यहाँ तक समझ में आया सबको, यस सर। सबको कॉपी कर लो यहाँ तक, यस सर, कॉपी कर लिया, छाप लेते हैं साथ में सर। ये सर हम लोग जो पहले क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किए थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, वहाँ तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किए थे कि फाइनल वही, तो सर हम वही बोल रहे हैं तो यूज नहीं किए वो बाबू। अभी वहाँ पे हम लोग जो है ना सिंपल इंटरेस्ट से ही निकाल लिए। अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल आपके पास था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास था, टाइम कितना है, मैंने कितना बोला था, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। आप चेक करो, आप इस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, समझो। मैंने वहां पर उस जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया पता है, मैंने आपको उस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट से कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअली प्रिंसिपल जो होता है वो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल क्या होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो एड हो जाता है, है ना। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था एड होके सेकेंड ईयर में क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल, ये समझ में आया सबको, सर। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला, हाँ बोलो सर, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला भी लगा सकते हैं टेस्ट में। हाँ देखो सुनो, एक्चुअली हो क्या रहा ना कि मेनली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली बना कैसे है, सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट से बना है। देखो हम तो सिंपल इंटरेस्ट से ही बार बार निकाल रहे हैं ना, सिंपली मेन कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट क्या वो छुपा हुआ है वो समझना है हम लोग को, कि हम लोग जो प्रिंसिपल बार बार जब चेंज करेंगे ना तो हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा बोलो तो, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल आपको निकालना है थर्ड ईयर का, तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट वो बार बार चेंज होगा,
वो बार बार चेंज होने के कारण देखो ये फॉर्मूला बना ए और सीआई का, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला बना है। अब समझ में आया सबको? यस सर। चलो अब आप लोग फॉर्मूला से बनाना। हाँ बोलो सर। हम लोग पिछले और प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोग एसआई से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो उधर हम लोग पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 जो लिखे थे वहाँ पे हम लोग एसआई लिखेंगे या सीआई लिखेंगे? एक्चुअली वो इंटरेस्ट लिखना चाहिए हम लोग को। देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखो क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक है? समझो, अगर मैं बोलू इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है ना, पर जब हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल कौन सा ले रहे हैं ये मैटर करता है हम लोग का। हम लोग प्रिंसिपल कौन सा ले रहे थे? ओरिजिनल प्रिंसिपल ले रहे थे जो बी था 100 रुपीस था, कि मैं प्रिंसिपल चेंज किया प्रिंसिपल में। तो जब ये प्रिंसिपल अगर चेंज हुआ तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो भी क्या होगा, सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बोलो अब समझ में आया सबको? यस सर। अगर कॉपी हो गया है तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे और इस पे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। ध्यान दो। So, बोला जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000, ओके, ऑन रुपीज 8000 फॉर थ्री इयर्स। दिख रहा है सबको? और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन रुपीज 8000, yes, rupees 8000 for 3 years, okay. Question में already लिखा रहेगा, ठीक है? Compounded annually, मैं बता रहा हूँ compounded yearly सकते सीधा 10% per annum, 10% per annum. इसमें वो रेट कंपाउंडेड ये में है। देखो यहाँ पे, हाँ, जो रेट एक्चुअली यहाँ पे देखो ये वर्ड है ना कंपाउंडेड, इससे ही पता चल रहा है आपको कौन सा इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो टाइम है आपके पास, रेट है आपके पास, प्रिंसिपल है आपके पास, आप निकाल पाओगे अमाउंट एंड सीआई? यस सर। ठीक है, निकालिए, चेक करो। हाँ सर। यस सर। बताइए आंसर कितना आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बोलो तो? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट, ठीक है, माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था ना उसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। तो आपका काम है पहले अमाउंट निकालना, ठीक है? अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, अमाउंट निकल जाएगा तो प्रिंसिपल तो है ही आपके पास ओरिजिनल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? इग्नोर करके बना